जय हिंद दोस्तों, आज के एक और इस नए वीडियो में हम जानेंगे कि आप जो भी मोबाइल फोन यूज करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, वो MI का हो सकता है, वो आपका यहाँ पर Vivo का हो सकता है, वो यहाँ पर आपका Samsung का हो सकता है, Oppo का हो सकता है, Oppo Reno का हो सकता है, कोई भी कंपनी का आपका मोबाइल फोन हो, उसकी जो रैम है कि आपके मोबाइल फोन में रैम कितनी है, ये कैसे आप चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर सिर्फ एक मिनट के प्रोसेस में, ये आज के इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपने मोबाइल फोन के अंदर रैम को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फोन का जो सेटिंग वाला आइकन होता है, जो सेटिंग्स का ऐप होता है, उसको यहाँ पर ओपन करना है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन ढूंढना नहीं है, आपको एक सर्च आइकन ऊपर दिया जाता है जहां पर आप अपने मोबाइल फोन की किसी भी सेटिंग को सर्च कर सकते हैं, वहां से उसको सर्च करके निकाल सकते हैं। तो वहां पर आपको क्लिक करना है, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको टाइप करना है रैम, RAM, ये आपको वहां पर टाइप करना है और इसको टाइप करके आपको सर्च करना है। जब वहां पर आप सर्च करेंगे तो जो भी आपको रैम जहां पर लिखा हुआ दिखाई देगा, जिस भी ऑप्शन में, वो पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, आपकी मोबाइल कंपनी के अकॉर्डिंग वो होता है। तो जहां पर आपको रैम दिखाई दे सर्च करने के बाद, वहां पर आपको क्लिक करना है। जब यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख पाएंगे कि आपका जो डिवाइस है उसके अंदर कितनी रैम आपके पास है, टोटल कितनी रैम आपने यूज करी हुई है और कितनी रैम यहां पर आपके डिवाइस की खाली है, यानी कि उसको आप यूज कर सकेंगे। तो यहां पर इस पूरे जो रैम का जो स्टोरेज है इसको आप चेक कर पाएंगे और आप ये भी जान पाएंगे कि आपके उस डिवाइस में कितनी रैम है, कितने GB की रैम उस मोबाइल फोन के अंदर है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।